देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने बात तो की ड्रग्स के ताल्लुक से, लेकिन इस चीज़ के ताल्लुक से हमें ये प्रॉब्लम कम्युनिटी के तौर पर सॉल्व करना होगा। इंडिविजुअली बहुत सारा एक्शन हमने देखा, प्रिवेंटिव एक्शन देखा, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी में और अलग अलग एरियाज़ में ये जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है, ये खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Right. तो मेरे सामने एक मिसाल आई थी, एंड आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट बॉम्बे का एक इलाका है जहाँ की कम्युनिटी के लोगों ने अपना फुट डाउन कर लिया कि ड्रग पेडलर्स को हम लोग अपनी पूरी एरिया में आने नहीं देंगे। क्या बात है, क्या बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रग पेडलर्स खाली अकेले काम नहीं करते हैं, उनके साथ सारी मशीनरीज मिली हुई होती है, बहुत बड़ा उनका एक माफिया होता है उनके बैकअप में। आम इंसान कई बार डरते हैं कि हम इनसे कहां अपना पंगा ले, अपने काम से। लेकिन सही बात तो ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अपने पड़ोसी को डिफेंड करते हुए मारा गया वो भी शहीद है, हा? और जो अपने खुद की प्रॉपर्टी को बचाते हुए मारा गया वो भी शहीद है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस्लाम ने कंसेप्ट बहुत बड़ा बताया, भाई मरना तो एक दिन है, सबको है, और जो चीज़ आनी है वो आनी। तो यहाँ ये जो डर डर के लोग जो ज़िंदगी बिताते हैं और अपने एरिया की बुराई को रहने देते हैं, और हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एरियाज़ में पुलिस एक्शन में भी कुछ डिफरेंस पाया जाता है, जो कॉज बनता है क्यों उस एरिया में ज्यादा ड्रग पेडलर्स पहुंचते हैं और ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि लॉज है, पुलिस भी हेल्प करना चाहती है, पुलिस को कोऑपरेशन चाहिए, पुलिस को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसमें कंसर्न्ड एक्शन में साथ दे उनका। पूरे कानून है जो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ है, ड्रग की अवेलेबिलिटी करने के खिलाफ है, वो सारे कानूनों को जानते हुए क्लियरली मैं ये एक अपील करता हूँ सारे वो कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स को कि ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम को अगर रोका नहीं गया तो बहुत दूर नहीं है कि घर घर में ड्रग एडिक्स मिलेंगे, और बल्कि वैसे टाइप के केस हो चुके हैं इंडिया के सिलेक्ट इलाकों में। आप अगर ईस्टर्न स्टेट्स को देखें या पंजाब का हाल देखें तो वहां पे ये एक्चुअल स्टेट हो चुका है कि घर घर में एक आध ड्रग एडिक्ट तो मिलता ही है। लेकिन अगर इस चीज को अगर रोका नहीं गया इन टाइम, तो नेक्स्ट जनरेशन या उसकी बाकी जनरेशन के हम डिस्ट्रक्शन को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रग एडिक्ट बनने वाले कौन सी एज वाले होते हैं, 17 to 35 के बीच में होते हैं। जी जी, यानी हमारे जो कमाने वाला तबका है, जो हमारा यंग जनरेशन है, जो कंट्री का मेन मैन पावर है, जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बूढ़े बूढ़े लोग जाकर ड्रग एडिक्ट बहुत शायद ही कोई बनता होगा, नहीं बनता। लेकिन मेन जो हमारी यंग जनरेशन ही खराब हो जाती, बिगड़ जाती है। तो इफ वी आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग अबाउट दिस, वी डोंट नो कल आपके घर में हो सकता है कोई ड्रग एडिक्ट आ जाएगा। तो मैं सारे अपने ब्रदर्स और देखने वाले सारे कंसर्न लोगों को, सारे नाज़रीन से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको उभारता हूँ कि इस चीज़ को एक कम्युनिटी के तौर पर एक सर्विस समझकर, एक बहुत बड़ा एक समझ लीजिए इस्लाम ने जद्दोजहद का एक जो रूल दिया है कि जो अल्लाह की मदद आती है, तो वो चीज़ के तहत इसे स्टॉप करने में हिस्सा बनने की कोशिश करना चाहिए। डोंट इग्नोर दिस।